हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आज हम इस वीडियो में सेल्स रिटर्न बुक कैसे तैयार की जाती है वो देखेंगे। सेल्स रिटर्न बुक में जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो हम सेल्स रिटर्न को हमेशा डेबिट करते हैं। जैसे जब अगर हम अकेला सेल्स करते थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो सेल इज ऑलवेज क्रेडिटेड और कस्टमर अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। बट इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न हम कस्टमर अकाउंट को, जिसे हमने पिछली बार डेबिट किया था, अब क्रेडिट करेंगे और सेल्स रिटर्न को हमेशा डेबिट करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सहायता से देखेंगे कि किस तरीके से सेल्स रिटर्न बुक तैयार की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम तैयार करेंगे सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक के लिए मैंने ना ये देखी, पहले तो आप फॉर्मेट देख लीजिए। सेल्स रिटर्न बुक का डेट है, क्रेडिट नोट इज़ द सोर्स टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन्स, नेम ऑफ द कस्टमर एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होती है और कस्टमर अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन अब क्या है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेजर फोलियो डिटेल्स एंड देन अमाउंट, और एक ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ और जो हम अभी सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न जर्नल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिसर्स राम इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर नवंबर 2019। फोर नवंबर को आपको ये वाला ट्रांजेक्शन दिया है कि मिसेस गुप्ता ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स 1500। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिसर्स हरीश ट्रेडर्स, ये सारे हम अभी रिकॉर्ड करेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। विदाउट जीएसटी कर रहे हैं ये वाला सेल्स रिटर्न, ये वाला सवाल, और अगली बार जो है हम वो ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी सीखेंगे, जैसे हमने परचेस रिटर्न बुक में किया था। तो आज मैं आपको अकाउंट्स भी इसके खोलने सिखा दूंगी, और जीएसटी में हम अकाउंट्स नहीं, सिर्फ सेल्स रिटर्न बुक ही खोलेंगे। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स रिटर्न बुक ऑफ जिसकी है उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ राम, मिसेज राम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लिख दिया हमने ट्रांजेक्शन का। अब हम जो है वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डेट। तो डेट है आपकी, डेट है यहाँ पर नवंबर 2019, फोर्थ नवंबर। तो फोर्थ नवंबर को सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे डिटेल्स। डिटेल्स जो है ट्रांजेक्शन्स का, अगर क्रेडिट नोट नंबर दिया होता तो हमने यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर लिखना था, बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन। सो हम गुप्ता ट्रेडर्स सप्लायर जो कस्टमर है उसका डिटेल लिखेंगे, तो गुप्ता ट्रेडर्स। और अब आगे लेजर फोलियो का कॉलम है, फिर इसके बाद डिटेल्स। डिटेल्स में आपको कितनी दी हैं गुड्स, 1500 रुपये। तो यहाँ पर हम डिटेल्स में, अगर आपको क्वांटिटी वगैरह दी होती तो हमने लिखना था, और अमाउंट कॉलम में भी आपका 1500 ही आएगा। वैसे तो ओनली वन कॉलम इज इनफ व्हेन द क्वांटिटी एंड रेट इज़ नॉट गिवन, बट इफ़ द क्वांटिटी एंड रेट बोथ आर गिवन और यहाँ टी डी वगैरह दिया है तो हमें डिटेल्स कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमें डिटेल कॉलम की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम अमाउंट में ही सीधा लिख देंगे। आगे अगला जो ट्रांजेक्शन्स है वो है 10th नवंबर। 10th नवंबर को गुड्स रिटर्न हुई हैं फ्रॉम मिसेस हरीश ट्रेडर्स। हरीश ट्रेडर्स ने आपको रिटर्न की हैं 10th नवंबर 2019, और हमने डेट लिख ली है। उसके बाद हम लिखेंगे डिटेल्स ऑफ कस्टमर, मिसेस हरीश ट्रेडर्स। वेरी वेरी सिंपल टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। स्टेप बाई जानेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें शुरू में अकाउंट्स पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें अकाउंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और आगे है 18th नवंबर। 18th नवंबर को राहुल ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन 1200। तो बस सिंपल हमने डेट लिखनी है पहले 18th नवंबर, और उसके बाद कस्टमर्स का नाम लिख दीजिए राहुल ट्रेडर्स, और उसके बाद कितना अमाउंट था 1200।
तो वाई, बिकॉज दिस कॉलम इज नॉट नीडेड हियर, सो आई एम राइटिंग इन अमाउंट कॉलम ओनली. आपने लिखना है तो दोनों ही कॉलम में एक जैसा अमाउंट लिख सकते हैं, बट अदरवाइज व्हेन अदर डिटेल्स आर नॉट गिवन ओनली वन कॉलम इज इनफ. अब 28th नवंबर को गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुशील ट्रेडर्स. सुशील ट्रेडर ने 28th नवंबर को 2019 को सुशील ट्रेडर का नाम लिखेंगे और उन्होंने गुड्स जो हैं आपको वापस की हैं उसका अमाउंट लिखेंगे 1000, यहाँ पर भी 1000, और बस आप इसका टोटल कर देंगे. तो ये देखिए, ये है आपकी सेल्स रिटर्न बुक विदाउट GST तैयार की है हमने. डेट डाली है और नाम लिखा है कस्टमर्स का, उसके बाद डिटेल्स में और फिर अमाउंट, और दोनों को ही हम टोटल कर देंगे. तो आपका टोटल जो है वो आ जाएगा 12,800 प्लस 2500 आ जाएगा 4800. तो ये आपकी तैयार हो गई है सेल्स रिटर्न बुक. इसका पूरा व्यू देख लीजिए आप, यह है सेल्स रिटर्न बुक. अब हम जो है जितने भी अकाउंट्स हैं इनको ओपन कर देंगे. सबसे पहले ये हम लेजर में ओपन करेंगे. लेजर किसकी है जी? लेजर ऑफ मैसेज राम, राम इलेक्ट्रॉनिक्स की लेजर में हम जो है सभी अकाउंट ओपन करेंगे. सबसे पहले जो अकाउंट ओपन करते हैं वो हम सेल्स बुक का ही जो आपकी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट है वो खोल लेते हैं. रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, या इसे हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक ही चीज़ है. सेल्स रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न इनवर्ड, एक ही चीज़ है. तो रिटर्न इनवर्ड कितना था टोटल आपका 4800. तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर डेट क्लोजिंग डालेंगे हम. समझ लीजिए ये डेट है November 30th, 2019, एंड में मंथ के एंड में हम लिखेंगे 4800. और उसको लिखना कैसे है आपने, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक. तो ये है आपका अकाउंट खुल गया है सेल्स रिटर्न अकाउंट, और इसमें अमाउंट जो आपका था वो है 4800. अब देखिए, सेल्स रिटर्न को हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, जबकि सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट. अब ऐसे ही बाकी के जितने भी कस्टमर हैं उनको देखकर हम कस्टमर्स अकाउंट खोल देंगे. मिसेस गुप्ता है, गुप्ता ट्रेडर्स. इसके बाद है अगला अकाउंट हरीश ट्रेडर, हरीश ट्रेडर्स. इसके बाद है राहुल ट्रेडर्स. तो हम खोलेंगे राहुल ट्रेडर्स, यहाँ लिखेंगे राहुल ट्रेडर्स. इसके बाद है राहुल ट्रेडर्स के बाद सुशील ट्रेडर्स. सारे अकाउंट हमने खोल लेने हैं और ऊपर फॉर्मेट तो दिया ही हुआ है, बस फॉर्मेट के साथ साथ आपने लिखते जाना है. अब देखिए, आपने यहाँ लिखा था, अब जो ये आपका जो बाकी के अकाउंट हैं इसमें आप बाय वाली साइड में लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, और फिर यहाँ भी आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न, क्योंकि हम सेल्स रिटर्न को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं. और जो अमाउंट है आपके वो अलग अलग हैं. गुप्ता का 1500 रुपये था, और हरीश का आपका था 800, और इसका था आपका राहुल का 1200, और इसका था 1000 रुपये. आपने साथ साथ में करना है, मैंने आपको एक साथ करके दे दिया, आपने साथ साथ एंट्री कर लेनी है ताकि किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ये हैं आपके अकाउंट्स, और डिफरेंट अकाउंट्स जो हमने लेजर में खोले हैं, जिसको हमने किस में से लिया था, ये जो हमने लिया है सेल्स रिटर्न, ये हमने लिया है सेल्स रिटर्न फोलियो. इसमें लेजर फोलियो में हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न फोलियो, सेल्स रिटर्न फोलियो. ऊपर आपने सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट खोला, उसके बाद जितने भी कस्टमर्स थे सारे कस्टमर्स का अकाउंट आपने खोल लिया, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न. तो ये आपका सवाल हो गया है. अगली बार हम ऑन द बेसिस ऑफ GST सेल्स रिटर्न बुक करेंगे. एक बार आप देख लीजिए पूरा व्यू सेल्स रिटर्न का भी. ये सेल्स रिटर्न है जिसमें आपने पूरा व्यू देख लेना है, सेल्स रिटर्न बुक. होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप देखिएगा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियोस के लिंक डाले हैं, आप जरूर मेरे इन सब लिंक में जाकर मेरी वीडियोस को जरूर देखिए.
और इन्हें जरूर शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप जरूर देख लीजिएगा और एक प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका आंसर मुझे भेजिएगा और मैं उस आंसर को अपने जो सही आंसर है उससे मैच करके आपको सही आंसर बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि आपको सेल्स रिटर्न बुक आ गई है बनानी, तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्द लाने वाली हूँ, सेल्स रिटर्न बुक ऑन द बेसिस ऑफ गुड सर्विस टैक्स। इसी तरीके से सिस्टमैटिकली हम इस सिलेबस को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।